नोएडा के मार्वा स्टूडियो में चल रहे 13वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन चतुर्थ हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी जगत में काम करने वाले प्रतिष्ठित विभूतियों को सम्मानित किया गया। हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी फिल्मों को लोकप्रिय बनाना और सिनेमा के माध्यम से एक राष्ट्रीय संस्कृति को विकसित करके राष्ट्र को एकजुट एवं एकीकृत करना है। मार्वा स्टूडियो आज भारत सहित पूरी दुनिया में मीडिया के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुका है, जहां पर कलाकारों एवं रचनाकारों को एक मंच मिलता है जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके मीडिया या फिल्म जगत के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यहां पर संस्कृति और कला का एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जिसकी प्रशंसा विदेशों में भी होती है। ICMEI के प्रेसिडेंट एवं मार्वा स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर संदीप मार्वा ने 13वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा में चौथे हिंदी सिनेमा सम्मान समारोह के दौरान कहा कि नोएडा फिल्म सिटी भारत का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ फिल्म सिटी है। मार्वा स्टूडियो ने 2000 से अधिक शॉर्ट फिल्में बनाकर एक अंतर्राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दुनिया का पहला ऐसा चैम्बर है जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह समर्पित है। हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि 145 से अधिक देशों के साथ हम फिल्म के माध्यम से अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग करीब 145 देशों में अपनी साठगांठ बना चुके हैं और 60 देशों के सरकारों ने हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव भी चुन लिया है। ये हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम देश को अपने दूसरे देशों के साथ मीडिया और एंटरटेनमेंट के इस पूरे विंग को लेकर एक नया सहयोग पैदा करें। ICMEI जो कि अब नए नाम से एक्मे के नाम से ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने कई फेस्टिवलों का आयोजन किया है और ये 13वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल जो आज समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है, इसका आखिरी और सबसे बड़ा जो फंक्शन होता है वो हमारा हिंदी सिनेमा सम्मान होता है। जबकि हमने भारत सरकार से ये निवेदन किया था कि हिंदी सिनेमा को अलग से प्रोत्साहित और इज्जत देने के लिए कोई भी एक ऐसा अवार्ड अब तक नहीं बना था, तो हमें ये सपुर्द कर दिया गया। विज्ञान भवन के अंदर इसकी पहली 3 कड़ियों का आयोजन हो चुका है, आज ये 4था आयोजन है और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इतने महान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सभी महान लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और हमें ये एक अवार्ड देने का एक फिर से एक खूबसूरत मौका मिला है। वेरी मच जिमी अवार्ड, आप लोग सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से मैं बोलता हूँ, अवार्ड मेरा जिंदगी में बहुत बड़े माने रखते हैं। मैं 50 साल हो गया मेरा इंडस्ट्री में, जस्ट कंप्लीटेड 50 इयर्स। मैं एक बात समझ सकता हूँ, जब अवार्ड आता है इससे सम्मान बढ़ता है। आप लोग सम्मान देते हैं हमको, बहुत ही बड़ा है ये सम्मान। हमेशा दिल में मैं आशीर्वाद स्वरूप लेता हूँ। सबने मुझे लायक समझा और सम्मानित किया बहुत, और ये अवार्ड भी एक अपने आप में ही एक नायाब अवार्ड है और इसको उपस्थित करना, मार्वा साहब ने जो ये एक निर्णय लिया और इसको स्थापित किया और इस तरह से आगे बढ़ाया, अफसोस के आज हम इस माहौल से गुजर रहे हैं कि हम एक फंक्शन में साथ बैठ नहीं सकते हैं और ये जूम पर ही पूरी दुनिया चल रही है, तो जूम बराबर जूम। तो हमारा ये, हम एंटरटेनमेंट की दुनिया से हैं और हमारा धर्म, हमारा कार्य यही है कि हम एंटरटेन कर सकें, खुशियाँ ला सकें लोगों के जीवन में, और यही हमारा कार्य रहेगा जीवन जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह। वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है इस वक्त मंजी को देख के और बाकी मेरे सारे कलीग्स जो वहाँ हैं, मतलब जो हम लोग यहाँ हैं साथ में,
एंड मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा अपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, मुझे इसको जब लोग बॉलीवुड कहते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। ये एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और बहुत अच्छी इंडस्ट्री और बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ। आई फील वन इज ब्लेस्ड टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड सो मच टाइम इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी, एंड इट्स ऑल थैंक्स टू माई फादर दैट आई एम हियर। He was a great director, great filmmaker, and a great human being. Thank you so much. Asian Education Group की तरफ से जो suddenly COVID के जमाने में इस तरह की खूबसूरत gathering हुई, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। इस award के लिए आपने हमें चुना, मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सारी ज्यूरी को, और स्पेशली शोक त्यागी जी, मारवा जी, और क्योंकि एक बहुत एफर्ट इन्होंने की होगी, क्योंकि इकट्ठे नहीं हो सकते, सो ऑनलाइन सबको इकट्ठे करके इस तरह का प्रोग्राम करना, इट्स ग्रेट। इसके अतिरिक्त हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित कलाकारों को हिंदी सिनेमा संरक्षक सम्मान, हिंदी सिनेमा गौरव सम्मान, हिंदी सिनेमा सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। संदीप मारवा जी और अशोक त्यागी साहब और ज्यूरी मेंबर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जो इतने सारे बुजुर्ग और सीनियर्स यहाँ मौजूद हैं और जिनके साथ मैं काम भी कर चुका हूँ, पता नहीं मैं इस अवार्ड के लायक हूं कि नहीं, लेकिन हर बार जब कोई आपका नाम लेता है तो बहुत एक तरह से एक प्रोत्साहन मिलता है। जब हम छोटे थे तो हिंदी सिनेमा को हमने अपनाया, और जब हम बड़े हुए तो हिंदी सिनेमा ने हमें अपनाया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, और एक बहुत बहुत जिसे कहते हैं कि मैं बहुत एक छोटा हिस्सा हूँ इस फिल्म इंडस्ट्री का। इतने सारे बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, सबके नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन सब से मैंने सीखा है, वो सब मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं।